हेलो दोस्तों, तो चलिए इस लेक्चर में देख लेते हैं हम लोग भारत सरकार के प्रमुख मोबाइल ऐप और एवं पोर्टल एवं उनसे संबंधित क्षेत्र। तो चलिए शुरू करते हैं। ई सहज पोर्टल तो एक प्राइवेट कंपनियों को सुरक्षा मंजूरी देने हेतु है। याद रखें, ई सहज पोर्टल है जो प्राइवेट कंपनियों की को सुरक्षा मंजूर देने हेतु है। फिर अपना जन धन दर्शक है, तो ये बैंकिंग सुविधाओं को आसान बनाने के लिए। तो याद रखिए, जन धन दर्शक कहता है बैंकिंग सुविधाओं को आसान बनाने के लिए। फिर अपना दर्पण है, तो याद रखिए दर्पण ऐप है डाक बीमा से संबंधित। फिर है पेंसिल ऐप पोर्टल, तो याद रखिए यह बाल श्रम रोकने से संबंधित। फिर है आरंभ ऐप, तो ये सड़क सुरक्षा से संबंधित है। सचेत ऐप, तो ये बैंकों में धोखाधड़ी से संबंधित है। तेज या भीम ऐप, तो डिजिटल पेमेंट से संबंधित है। दिव्यांग सारथी ऐप, तो ये दिव्यांग सशक्तिकरण से संबंधित है। फिर है अपना निदान सॉफ्टवेयर, तो याद रखिए बीमारियों की निगरानी के लिए है। खान पहरी ऐप, तो ये कोयला चोरी को रोकने के लिए है। प्राप्ति ऐप, तो ये उत्पादकों को बिजली भुगतान में पारदर्शिता लाने के लिए है। रियूनाइट ऐप, तो याद रखिए ये भारत में लापता बच्चों को ढूंढने के लिए है। उमंग ऐप, तो ये ई सरकारी सेवाओं तक आसानी से पहुंच के लिए है। सारथी मदद ऐप, तो ये रेलवे से संबंधित है। फिर ऊर्जा मित्र ऐप, तो ये बिजली कटौती प्रबंधन से संबंधित है। फिर सागरवाणी ऐप, तो ये सागरीय आपातकालीन चेतावनी देने के लिए है। फिर समाधान ऐप, तो ये चुनाव आयोग से संबंधित है। साथी ऐप, तो ये अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा से संबंधित है। फिर अपना उत्तर ऐप, तो ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। दीक्षा पोर्टल, तो शिक्षकों को जीवन शैली डिजिटल बनाने हेतु है। तो ये थे हमारे महत्वपूर्ण जो आने वाली गवर्नमेंट एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं।